इस स्फीयर को काटना है। इलस्ट्रेटर में इसको पाथफाइंडर बोलते थे। मान लो मुझे इसके इस एरिया को इस शेप में काटना है, तो आपके पास मैश में आता है बूलियन, बूलियन में आती है तीन कमांड्स, यूनियन फॉर जोड़ना, डिफरेंस फॉर एक में से दूसरे को घटाना, थर्ड वन फॉर ओवरले, जहां पे भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा वही एरिया बचेगा। तो दोनों को सिलेक्ट करो, यूनियन जुड़ गया, डिफरेंस घट गया, इंटरसेक्शन ओवरलैप बच गया, तो आप कभी भी यहां से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कोई पीस टूटा हुआ दिखाना है आप इससे दिखा सकते हो। जैसे आपको क्रिस्टल बॉल बनानी है और वो भी डायगोनल जाने चाहिए उसके सारे सेगमेंट्स, तो आपको क्या करना है, सारे वर्टाइसिस को सेलेक्ट करना। आता है बेवल, बेवल में विड्थ को पूरा कर देना, पूरा ठीक है। अब पूरा करने के बाद इसके जो वर्टेक्स है ये ना वेल्ड नहीं है, अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, सारे वर्टेक्सेस सेलेक्ट करके सिंपल हिट ऑन वेल्ड, वेल्ड से क्या होगा, सारे वर्टेक्स वेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, सारे वर्टेक्स वेल्ड होने के बाद इन पॉलीगन्स को आप एक्सट्रूड करवा सकते हो। अगर आपको सारे पॉलीगन्स अलग अलग एक्सट्रूड करवाने हैं तो यहां पे है की फेस टुगेदर ऑन ऑफ, फिर से बताता हूं की फेस टुगेदर किस काम आएगा। अगर आपको कोई चॉकलेट बनानी है में आप सेगमेंट ले लो, आप ऊपर के सारे वर्टेक्स और सारे पॉलीगन्स एक्सट्रूड कर रहे हो, एक्सट्रूड का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ खींचना और छोटा भी कर रहे हो, तो पर अभी सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहां पे कीप फेस टुगेदर ऑन, ऑफ कर दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ऑन कर दोगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये बेवल ही है, इस टूल को बेवल कहते हैं, पर मैक्स में नाम चेंज हो तो रखता है, एक्सट्रूड कहते हैं मैक्स। बेवल यहाँ पे वर्टेक्स को चैम्फर कर, देखो अब ये चीज किसी प्लेन पे करते हैं डायगोनल करके, आपने प्लेन में सेगमेंट बढ़ा दिए और इसके सारे वर्टाइसिस को कर दिया बेवल। हैं? यहां से राइट साइड में आता है इनपुट्स, इसके अंदर ये दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके मिडिल माउस टूल से घटा बढ़ा सकते, सारे वर्टाइसिस को आप बेवल करा सकते हो, बेवल की आप वैल्यू बढ़ा सकते हो, सबको फिर वेल्ड कर दो, ये सब अलग अलग है। डबल डबल पॉलीगन बेवल नेक्स्ट,
की वैल्यू यहां से आपको मैनुअली बड़ा बड़ा के देनी पड़ेगी। कि ये करने के बाद आप इसके सारे वर्टेक्स हिट ऑन वैल्यू। देखो क्या हुआ, सेगमेंट सीधे थे और अब क्या हो गए, डायगोनल हो गए। कैसे, फिर बता रहा हूं, अगर आपके सारे सेगमेंट सीधे हो और आपको डायगोनल करना हो तो क्या करना, वर्टेक्स मोड में सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करना, हिट ऑन बेवल, और यहां से वैल्यू आपको बड़ा बड़ा के देखनी पड़ेगी कि किस में वर्टेक्स वर्टेक्स के पास आ रहा है। वर्टेक्स वर्टेक्स के पास आ गया पर वैल्ड नहीं है, अब ये अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करो या एक एक करके करो, सारे करोगे बेस्ट है, इकट्ठे हो जाएंगे। हिट ऑन वैल्ड, वैल्ड को यहां बोलते हैं मर्ज। अब देखो ये ना वैल्ड हो चुका है, अब आप इसके सारे गन सारे पॉलीगन्स को एक्सट्रूड करो, की फेस टूगेदर ऑफ करके छोटा कर दो। समझ आया, तो डायगनली टाइल्स बन गई आपकी, फ्री प्रेस करोगे तो वो सॉफ्टली दिखेगा, होती है ना ऐसी टाइल्स। क्रिस्टल बॉल भी बना सकते हो, अगर आपको क्रिस्टल बॉल बनानी है इसके थ्रू, तो आप इसके सारे वर्टाइसिस को ट्रेवल करा दो और बेवल की आपको एक वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसमें कम ओवरलैप है, 5 में नियर अबाउट वो सही आ रहा है, 5 में ठीक आ रहा है। फिर इसको कर दो हिट ऑन वैल, फिर सारे पॉलीगन्स आप इकट्ठे एक्सट्रूड कर दो, फेस टुगेदर ऑफ करके। क्रिस्टल बॉल बन गया। अब इसी चीज से हम टायर बनाते हैं, टायर बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, बीच वाले पॉलीगन मार दो डिलीट, आपके पास क्या आ गया, एक प्लेन आ गया। तो वो मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, एक्सट्रूड कर दो, डबल क्लिक लूप हो जाता है, एक भी क्लिक किया डबल क्लिक कर दिया। देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैं डाल रहा हूं सेगमेंट्स, नहीं जी होता है एक बार यूज किया उसके बाद जी प्रेस। देखो मैंने क्या किया, सिंपली सेगमेंट डाल दिए, अब मैं चाहता हूं इसके अंदर ना, ये बहुत इतने बड़े बड़े नहीं होते टायर के जो वो निशान होते हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं स्मूथ। इससे क्या हो रहा है, आपके सेगमेंट डबल हो रहे हैं, तो डबल होने के कारण ये जो बॉक्सेस हैं छोटे हो रहे हैं। मैंने क्या किया, सिलेंडर के अंदर 3 सेगमेंट डाले और सिलेंडर को मार दिया स्मूथ। अब आप क्या करो, अल्टरनेट लूप को सेलेक्ट करो,
अल्टरनेट लूप को सेलेक्ट करो और रोटेट करवा दो थोड़ा थोड़ा, समझ आया? अब आप इस पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर सकते हो और एक्सट्रूड कर सकते हो छोटा करके। तो टायर बन गया, कोई डाउट किसी को? सब समझ आ रहा है? नहीं नहीं, स्मूथ रिप्रेस करने पे आएगा ना? स्मूथ हो गया था, और एक्सट्रूड करके तो शार्प ही होगा ना। स्मूथ तो का मतलब है सिर्फ सेगमेंट बढ़ाना, स्मूथ करना नहीं होता। कोई डाउट यहां तक? अब एक और टूल बता रहा हूं, इसके बीच में मैंने एक सेगमेंट डाला, मैं चाहता हूं इसके इस एरिया को राउंड करवाना। तो बीच में मैंने एक सेगमेंट डाला, ये वाला पॉलीगन पकड़ा और शिफ्ट के साथ एज मोड में ये पकड़ा। देखो क्या किया, यहां पे मल्टी मोड में जा सकते हो, फेस पकड़ा और शिफ्ट के साथ एज पकड़ा, और यहां पे आता है वेज। क्या किया वेज ने, आप इस वेज का एंगल भी बढ़ा सकते हो। फिर बता रहा हूं, मैंने डाला एक एज, उस एज को परफेक्टली बीच में डालोगे तो सर्कल भी परफेक्टली आएगा। फेस पकड़ा आपने, मल्टी मोड में जाओगे, एज और फेस दोनों को, और क्लिक ऑन वेज और इसका एंगल बढ़ा दो, इसके वर्टेक्स 180 कर दो, हाँ बढ़ जाएंगे। उसके सेगमेंट भी बढ़ा सकते हो स्मूथ करने के लिए। आप किसी भी सीधी चीज को आप गोल भी कर सकते, समझ आया? 002 मॉडल नंबर नोट कर लो सब। जीरो वन सेवन रॉड्स वगैरह, ये शूट बनाओगे ना नाप करना पड़ेगा। 032 044 कितने हो गए? एंड 055 5 हो गए। 5 के बगैर नेक्स्ट क्लास में कोई एंट्री नहीं है, याद रखना।